आपकी आवाज के प्लेटफॉर्म पे आज मुलाकात कर रहे हैं राजस्थान अफोर्डेबल हाउसिंग डेवलपर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विनय जोशी जी से। विनय जी, आपका स्वागत है आपकी आवाज पे। नमस्कार, धन्यवाद आप हमारे यहाँ आए। जी विनय जी, आप अफोर्डेबल सेगमेंट में हैं, जो प्रेसिडेंट भी हैं इस एसोसिएशन के, तो आप किस तरह से देखते हैं कि आज मार्केट का सीनेरियो क्या क्या है? देखिए, ये आज देश की नीड है। बहुत वर्षों से इस सेगमेंट के लिए कभी काम हुआ नहीं था। सरकार इस सेगमेंट को सपोर्ट कर रही है और इस सेगमेंट में बहुत सारा काम हो रहा है, इसके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं और सब्सिडी भी सरकार इस पे इंटरेस्ट सब्सिडी दे रही है, लोन भी इस पे 90% तक हो जाता है। तो लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, सजग होना पड़ेगा अपने घर को खरीदने के लिए और आगे आना पड़ेगा, तो उसमें उन लोगों को बहुत अच्छे घर मिल सकते हैं। मार्केट का अगर सिनेरियो की बात करें, क्या डिमांड है और इन्वेंट्रीज अगर की बात करें, जयपुर की बात कर लें, राजस्थान की बात करें, कुछ अगर आपका हमारे व्यूवर्स को डेटा शेयर कर पाएं तो प्लीज़ बताएं। देखिए, राजस्थान का जो अर्बन इलाका है जी, उसमें तकरीबन जो सरकारी डेटा है उसके हिसाब से, जो नरेडको और KPMG ने एक स्टडी करी थी उसके हिसाब से, तकरीबन कम से कम 10 लाख घर चाहिए। और 10 लाख घर जो चाहिए वो अभी सारी संस्थाएं मिला करके भी नहीं बना पाई हैं, और रूरल एरिया उसके अलग है, उसमें अलग से जो घरों की डिमांड है वो अपनी जगह पर है। तो अभी डिमांड बहुत है, सप्लाई उस लेवल पर कम है, तो डिमांड को पूरा होने में अभी कुछ समय लगेगा और हम ये मानते हैं कि 2022-25 तक सारे घर बन जाने चाहिए। तो लेकिन लोगों को घर वो खरीदने चाहिए जो उनके कार्य क्षेत्र के आसपास हों, जिससे कि उनके ट्रांसपोर्टेशन का समय बचे, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बचे, और जो प्रोजेक्ट उनको अपने पॉकेट के अनुकूल लगते हों, क्योंकि इसमें बहुत सारे वेरिएशंस हैं। 5 लाख से लेकर के 25-30 लाख 50 लाख तक के भी घर आ रहे हैं, क्योंकि अफोर्डेबल, हाँ अफोर्डेबल के अंदर EWS, LIG, MIGA, MIGB ये सारे कैटेगरी मिला करके 50-50 लाख रुपए तक के भी फ्लैट्स उपलब्ध हैं जिस पर सरकार सब्सिडी दे रही है। तो सबसे पहली बात तो इसको ये नहीं समझा जाए कि अफोर्डेबल का मतलब सिर्फ EWS होता है। अफोर्डेबल का मतलब वो सारी चीजें जो आप अफोर्ड कर सकते हैं अपने बजट में, अपनी अपने बजट के अंदर, अपनी कमाई के अनुरूप जी। तो एक सेगमेंट है EWS, एक सेगमेंट है LIG, फिर MIGA, MIGB, तो इसमें 30 स्क्वायर मीटर से लेकर के 120-180 स्क्वायर मीटर तक के फ्लैट कवर होते हैं, जो कि काफ़ी बड़े होते हैं। तो लोगों को इस पर ध्यान रखना चाहिए और इस पर पूरी स्टडी कर करके जाना चाहिए। सब्सिडी सबको मिल रही है 2,67,000 रुपये तक की, और मैक्सिमम सब्सिडी है, हाँ ये 2,67,000 रुपये की हर यूनिट के ऊपर में मैक्सिमम इंटरेस्ट सब्सिडी है जो सरकार दे रही है। लेकिन वो सब्सिडी अप्लाई करें उसके पहले वो ये जान लें कि वो उसके लिए एलिजिबल है या नहीं जी। तो किस तरह की चुनौतियां हैं कि इस अफोर्डेबल सेगमेंट में, आइदर बिल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से या कस्टमर कंसर्न में? देखिए, कस्टमर्स को तो अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कारण कि उनके पास ITR रिटर्न्स नहीं होती हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं EWS LIG के सेगमेंट में, तो उनको घर खरीदने में बहुत प्रॉब्लम आती है। सरकारी बैंक के जो हैं वो कहते तो हैं कि हम लोग बहुत सारा लोन कर रहे हैं, कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे, लेकिन सरकारी बैंकों से जिस मात्रा में लोगों को लोन उपलब्ध होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से उन लोगों को माइक्रो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज या दूसरी NBFC कंपनीज के पास उनको जाना पड़ता है, जहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो है वो 18% तक ली जा रही है। तो 18% की आप इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं, जो दूसरे सेगमेंट बैंकिंग फाइनेंस में बात कर रहे हैं, तो बायलॉज भी है ये कि हाँ कि 18% में क्या RBI's रूल्स रेगुलेशन क्या कहता है इसमें?
आरबीआई एनबीएफसी को ना नहीं कर सकती, उनको अगर कोई कस्टमर मिलता हो और कोई पे करने वाला हो तो वो आरबीआई क्यों ना करेगी उनको? नहीं, जो प्रधानमंत्री का जो सपना है कि 2022 तक सबको घर हो सबके पास, तो इस कंसर्न में आप किस तरह से देखते हैं या किन नियम कायदों को आगे ध्यान में रखते हुए बैंकिंग सेक्टर में काम किया जाए? जैसा आप बता भी रहे चर्चा में कि बैंकिंग के जो डॉक्यूमेंटेशन का जो स्ट्रक्चर है या जो मिनिमम डॉक्यूमेंट्स उनको बैंकिंग सेक्टर बैंकर को चाहिए, वो उस अफोर्डेबल सेगमेंट के 70% यूजर कैदी नहीं कर पाते या डिलीवर नहीं कर पाते, तो उस लेवल पे आप किस तरह से देखते हैं? अगर सरकार डॉक्यूमेंटेशन को सॉफ्ट करे और नियमों में थोड़ी सी ढील दे, सरकारी बैंकों के रूट के थ्रू अगर फाइनेंसिंग होनी चालू हो जाए तो इस सेक्टर में बहुत बड़ी तेजी आएगी जो कि हमारे GDP ग्रोथ को बहुत सपोर्ट करेगी, और ऐसा होना चाहिए और जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है। कारण कि NBFCs या माइक्रो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के ऊपर में कोई कैप तो है नहीं कि वो इससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर नहीं लोन दे सकते, इसीलिए कम से कम RBI को ये कहना चाहिए कि हमको उनको सपोर्ट करने के लिए हमको एक नॉर्म्स बनाने चाहिए जिससे कि उनकी मदद हो सके जो EWS LIG सेगमेंट में है पर्टिकुलरली। आप कह रहे हैं कि नॉर्म्स बनानी चाहिए NBFC बैंक सेक्टर को भी, तो क्यों नहीं सरकारी बैंक को भी कुछ, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट या जो इस सेगमेंट के बैंकर्स हैं उनको भी रेट ऑफ इंटरेस्ट में बेनिफिट देते हुए कि जो 8% या 9% से अगर डॉक्यूमेंटेशन अगर कम है या ज़्यादा है तो उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट को हायर करते हुए उसके रिस्क कवरेज को देखते हुए किया जा सकता है? देखिए, मैं आपको एक बात समझाता हूँ कि माइक्रो फाइनेंस जो फील्ड है उसमें NPA सबसे कम होता है। जो छोटे लोन लेते हैं 10-10 5-5 हज़ार रुपए के, वैसे ही EWS LIG के अंदर में भी डिफॉल्ट सबसे कम है, क्योंकि उनका घर ही जो होता है वो उनके लिए प्राइम मॉर्गेज है। और कोई आदमी जिसको इतनी मेहनत के बाद में जिंदगी में सरकार ने एक मौका दिया घर खरीदने के लिए, वो कभी नहीं चाहेंगे कि उसके ऊपर वो डिफॉल्ट हो और उनका घर उनके हाथ से चला जाए। तो ये इतनी बड़ी सिक्योरिटी है कि वो उनके लाइफ को बिलोंग करती है, तो इसके ऊपर बैंकों को उनको पूरी तरह से सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि वो उनकी प्राइम सिक्योरिटी है और इस पर सॉफ्ट होना चाहिए। हालांकि ये RBI के नियम या बैंकों की कार्यप्रणाली पर मैं कोई सवाल नहीं कर सकता, लेकिन मैं गुजारिश करता हूं उनसे कि उनको सॉफ्ट होना चाहिए जिससे कि हमारे बिजनेस में और तेजी आ जाए। आपका कहना है बैंकर्स को थोड़े सॉफ्ट नियम और कायदे अपना के डॉक्यूमेंटेशन को थोड़ा सा सॉफ्ट होना पड़ेगा जिससे इस सेगमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। मैं बात करता हूँ कि रूल्स रेगुलेशन, अगर कस्टमर कोई भी प्रोजेक्ट फाइनल करने जा रहा है, किसी भी सेगमेंट किसी भी यूनिट को परचेज करने जा रहा है, आइदर वो इंडिपेंडेंट हो या आइदर वो अपार्टमेंट में हो, तो किन डॉक्यूमेंट्स को बिल्डर कंसर्न में देख लेना चाहिए कि बिल्डर के पास ये मिनिमम चीज़ें क्लियर है, क्लियरेंस है नहीं है, जिससे वो चीज़ें डिस्प्यूट में नहीं जाए? जब से रेरा आया है तब से चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। अब रेरा का काम है उन डॉक्यूमेंट्स को चेक करना। जब तक डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होंगे तब तक कोई भी प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर नहीं होगा। आपके लिए सबसे इजी काम है कि आप रेरा की वेबसाइट पर जाकर उस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी तहकीकात कर सकते हैं, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पर हैं। आपको तो जिस बिल्डर से फ्लैट खरीदना है उनसे आपको उनका सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर लेना है और रेरा की वेबसाइट पर जाकर के आप उनको चेक कर लीजिए। अगर वहां पर वो ठीक है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। जी, आपने बिल्कुल बात कही कि रेरा की रेरा की साइट पे जाके वो प्रोजेक्ट को वेरीफाइड कर लें कि वो रजिस्टर्ड है कि नहीं है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीज़ें रहती है उन कंसर्न में बात कर लें कि परचेज करने से पहले कि लोकेशन का या चीज़ें बिल्डर सेगमेंट में कैसे वेरीफाइड की जा सकती है। जैसे हम कभी भी कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसके पहले हम जो तहकीकात करते हैं उस तहकीकात के तहत ये होता है कि हम बिल्डर की प्रोफाइल देखते हैं, बिल्डर ने कितने प्रोजेक्ट पहले डिलीवर किए हैं, बिल्डर की क्वालिटी कैसी है, हम आपस में एक दूसरे से बात करके जिन लोगों ने पहले वहाँ काम किया है या लिया है उनके साथ में हम रेफरेंस चेक करके बिल्डर की क्वालिटी या बिल्डर के कार्यप्रणाली को हम चेक कर सकते हैं। हमें सिर्फ भरोसा ही कर सकते हैं, मतलब हम जो कर सकते हैं वो भरोसा ही कर सकते हैं। अगर बिल्डर
आज के दिन कोई गलत काम करेगा तो रेरा उनके ऊपर में एक अथॉरिटी है जो कि उनको सजा देने के लिए पर्याप्त है। और आज रेरा आने के बाद में इतनी बढ़िया व्यवस्था हो गई है कि कोई भी बिल्डर अपने कमिटमेंट से फिरेगा नहीं। तो सबसे पहली बात तो आपको निश्चिंत होकर के करना चाहिए। अब मैं दूसरी बात आपको कह दूं, सिर्फ बुकिंग कराने से कुछ नहीं होता है फ्लैट का। जो कमिटमेंट आप ये सोचते हैं कि मुझे बिल्डर दे और टाइम से मुझे डिलीवरी दे, तो उसी कमिटमेंट के ऊपर बायर को भी खरा उतरना पड़ेगा। अगर 100 लोगों ने फ्लैट बुक कराए हैं, उनमें से कुछ एक लोग भी टाइम से पेमेंट नहीं करते हैं, तो प्रोजेक्ट अटक सकता है। तो सिर्फ बिल्डर की गलती नहीं होती है। इसलिए अगर आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए, टाइम पर प्रोजेक्ट चाहिए, तो आप अपने पेमेंट को लेकर के भी प्लीज सजग रहें। आपने बहुत बढ़िया बात उठाई है कि अगर 100 किसी भी प्रोजेक्ट में अगर 100 फ्लैट्स हैं, अगर उसमें से 60 ने पेमेंट कर दिया, तो जो पेमेंट कर दिया, जिन कस्टमर ने सही पेमेंट कर रहे हैं, तो उन कंसर्न में फिर क्या, कैसे प्रोजेक्ट को राइट टाइम पे डिलीवर होगा नहीं होगा? 40 डिफॉल्टर रह गए या 20 डिफॉल्टर रह गए, तो उस केस में आप किस तरह से देखते हैं? अभी रेरा जो है वो बिल्डर्स के ऊपर तो बहुत सख्त है, लेकिन बायर्स के ऊपर में अभी इतना सख्त नहीं है कि सब लोगों को मिलकर के ऐसा लगता है कि बिल्डर के ऊपर दोषारोपण कर दीजिए, बिल्डर के ऊपर सारी तोहमतें आप लगा दीजिए कि बिल्डर खराब है। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई भी बिल्डर खराब नहीं होता, होना नहीं चाहता, कोई अपने व्यापार के साथ खेल करना नहीं चाहता। इसलिए मैं खुले मन से आप लोगों को, सबको ये कहता हूँ कि ये भी मैसेज जाना चाहिए कि जो बायर्स हैं वो भी उतने ही कमिटेड हों और अपना पैसा टाइम पर बिल्डर को दें। फिर अगर वो काम नहीं करता है तो बिल्डर नहीं, मैं यहाँ पे 60% या 70-80% बायर्स की बात कर रहा हूँ जो राइट पेमेंट कर रहे हैं, और उस कंसर्न में अगर प्रोजेक्ट डिले हो जाता है तो उनको जो परेशानियाँ जो उठानी पड़ती है, उस केस में आप किस तरह से देखते हैं? इसको मैं अगर आपको थोड़ा सा और क्लियर करके बताऊँ, तो ये जो बीच में पैसे का गैप आ जाता है, उस गैप को फिल करने के लिए डेवलपर को लोन लेना पड़ता है। वो लोन जो है एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट बियरिंग होता है। मैं यही बात उठाना चाहता था, क्या डेवलपर को कुछ 10-20% इस तरह का रिस्क कवरेज कैपिटल बना के नहीं चलना चाहिए हर एक प्रोजेक्ट के लिए? हर बिल्डर बना के चलता है, बिना उस रिस्क कवरेज के कोई भी आगे नहीं बढ़ता है। सबके पास अपना सपोर्ट सिस्टम होता है, सबके पास अपना लोन सिस्टम होता है जिससे कि काम किया जा सकता है। लेकिन सॉरी, अगर वो ज्यादा लंबा खींच जाए तो इंटरेस्ट का बर्डन अल्टीमेटली प्रोजेक्ट के ऊपर पड़ता है। तो इसीलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आप डिले हो गए हैं, डिले हो सकते हैं, कोई भी किसी भी पर्सनल रीजन से, किसी भी प्रोफेशनल रीजन से, कभी भी कोई बायर जो है अपने पेमेंट में डिले हो सकता है, तो उसी प्रकार से जैसे आप दूसरी संस्थाओं को डिले के ऊपर में पेनल्टी पे करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं, तो ये भी आप ही का प्रोजेक्ट है, आप उससे ना घबराएं। और अगर आपने डिले करी है तो डिले के ऊपर में आपको पेनल्टी या इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है। जयपुर की बात कर लेते हैं, नंबर ऑफ अभी कितनी यूनिट्स होगी सेल के लिए अवेलेबल, और किस सेगमेंट में होगी, मतलब रेंज की बात कर रहा हूँ, प्राइस रेंज क्या होगा, और ये थोड़ा सा आप हमारे व्यूअर्स के सामने रखें। जयपुर में अफोर्डेबल हाउसिंग में आप ये मान लीजिए 5 लाख रुपए से लेकर के 50 लाख रुपए तक के एक एक यूनिट अवेलेबल हैं। और जितने यूनिट EWS LIG के लिए एम्फेसाइज किए गए थे, जितने प्लान किए गए थे, उससे कम अभी मार्केट में आए हैं। उनकी अच्छी खासी सेल हो रही है और मार्केट बहुत अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम उनकी फाइनेंसिंग को लेकर के है। लोग खरीदना चाहते हैं, लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आगे आना चाहते हैं। ये ऐसे इन्वेस्टमेंट है जिसके अंदर इन्वेस्टर्स नहीं आते, जिसमें सिर्फ एंड यूजर्स आते हैं, बायर्स आते हैं, एक्चुअल बायर्स आते हैं। तो एक्चुअल बायर्स का मार्केट है, और जिनको टाइम से मकान चाहिए वही आते हैं, अपनी प्लानिंग के साथ आते हैं। तो मार्केट में कोई कमी नहीं है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन ये और ज़रूर है कि पिछले 3 सालों के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च नहीं हुए हैं नए। अब जो इन्वेंट्री है वो बहुत जल्दी से ख़त्म होती जा रही है,
जो आप ये सोचते हैं कि बहुत सारा माल पड़ा है, बहुत सारी चीज़ें पड़ी है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट के पास आप जाकर के देखिए, रोज़ रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं, रोज़ काम हो रहा है, लेकिन वो सिर्फ एंड यूज़र का काम हो रहा है। मैं लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मार्केट सिचुएशंस को देख करके घबराए नहीं। जो भी रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर, जो भी रियल एस्टेट इंडस्ट्री के ऊपर में प्रॉब्लम आई है, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। मार्केट अब बहुत सुहावना होने वाला है और नई सरकार आ गई है, नई सरकार बहुत सारे काम करेंगी और अगले 5 साल स्टेबिलिटी के हैं। इसके अंदर में आगे राइज होने के अलावा रियल एस्टेट मार्केट में और कोई संभावना नहीं है। प्राइसेस ऊपर जाएंगे, स्टेबिलिटी होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और आप जितनी जल्दी घर खरीदेंगे उतना आपके हित में होगा। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि नाम है अफोर्डेबल हाउसिंग, तो अफोर्डेबल में क्या क्वालिटी कैसे आप मैनेज करते हैं, कैसे आप डिलीवर्ड करते हैं क्वालिटी, और आप बात करें क्वालिटी प्लस सर्विस को, मतलब बिल्डिंग का स्ट्रक्चर से लेके फाउंडेशन से लेके डिलीवरी तक आप किस तरह से इसको मैनेज करते हैं? जैसा आपने अभी मेरे से सवाल किया उसका जवाब मैं उतना ही सिंपल देना चाहूँगा, जैसे फुल सर्विस एयरलाइंस होती है और नो फ्रिल्स एयरलाइंस होती है, उसमें जो फर्क होता है वही लग्जरी हाउसिंग में और अफोर्डेबल हाउसिंग में। मैं क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, क्वालिटी पैरामीटर की बात कर रहा हूँ, बिल्डिंग के स्ट्रक्चर पे, बिल्डिंग पे जब बिल्डअप हो रहा है तो क्वालिटी। सारी बिल्डिंगें कॉलम्स पे, स्टील पे खड़ी होती हैं, उनके लोड को बियर करने के लिए कोई भी डेवलपर, कोई भी आर्किटेक्ट, कोई भी इंजीनियर कॉलम की साइज को छोटा नहीं कर सकता। स्ट्रक्चर सारी बिल्डिंगों के सेम होते हैं, उनमें कभी कोई फर्क नहीं होता है। सारी बिल्डिंगें बहुत लंबे समय के लिए बनती हैं, उनकी अपनी मियाद होती है, सबकी टाइम फ्रेम सेम होती है, सिर्फ उनकी जो फिनिशिंग होती है उनके अंदर ध्यान रखा जाता है। वो लग्जरी नहीं होती है, वो अफोर्डेबल होती है और जो बेसिक क्राइटेरिया है हम उस पर बनाते हैं। तो क्वालिटी को मेंटेन रखते हुए आप अफोर्डेबल को सर्व करते हैं, आप मतलब बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी और उसके क्वालिटी से कभी कोई कॉम्प्रोमाइज होता नहीं है, रॉ मटेरियल में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। जी जी, और कुछ आप हमारे से प्रोग्राम में कुछ रखना चाहेंगे आपके एसोसिएशन के रिगार्डिंग, आपके एसोसिएशन या बिल्डर सेगमेंट में जो इश्यूज हैं, जो किंतु परंतु हैं, जो चैलेंजेस आ रहे हैं? मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी जब से रेरा इफेक्टिव हुआ है तब से मार्केट में एक नई चीज़ है, एक ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा है। ट्रस्ट तो बिल्डअप हो रहा है लेकिन ट्रस्ट के साथ में लोगों को कम पैसे में जल्दी घर चाहिए होते हैं, उसके लालच में लोग G+2 के बिल्डिंगों में जा रहे हैं जो कि रेरा अप्रूव नहीं होते, जो कि लॉज का वायलेशन करते हैं और जिनकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। ऐसे JDA उनको पास कर रहा है तो सिक्योरिटी और वो सारी चीज़ें नॉर्म्स तो JDA भी देखता होगा ना? नहीं, वो प्रोजेक्ट्स JDA अप्रूव नहीं होते, वो प्रोजेक्ट्स JDA या नगर निगम या ULB के द्वारा अप्रूव नहीं होते हैं। उन प्रोजेक्ट्स में जाने के लिए बचना चाहिए और उनकी कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई सर्टिफाइड डेवलपर के द्वारा नहीं बनाए जाते, उनके लालच में ना फंसें। आप सर्टिफाइड जो डेवलपर्स हैं, जो कि शेड्यूल्ड डेवलपर्स हैं, वो चाहे क्रेडाई राजस्थान के मेंबर्स हों, चाहे वो राहडा के मेंबर्स हों, आपको उनके साथ मिल करके उनके साथ खरीदारी करनी चाहिए अपने घरों की। आप रास्ते चलते 30 फीट की सड़क के ऊपर G+2 के घर में अगर आप रहना चाहेंगे तो वहाँ न तो आपको वैसी सुविधाएं मिलेंगी, ना आपको वैसी सिक्योरिटी मिलेगी और न ही आपके बच्चों को वैसी लाइफस्टाइल मिलेगी जो एक बड़े प्रोजेक्ट में मिल सकती है। राजस्थान अफोर्डेबल हाउसिंग डेवलपर एसोसिएशन की बात कर रहे हैं तो राजस्थान अफोर्डेबल हाउसिंग डेवलपर में जो मेंबर रजिस्टर्ड है तो आपके नॉर्म्स में, आपके रूल्स रेगुलेशन में क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन रेगुलर उस मेंबर्स का रेगुलर उसको आप बोले लीगल कंसर्न में उसको स्टडी करते हुए उसको आपके एसोसिएशन से इन और एग्जिट किया जा सकते? देखिए अभी तक तो ऐसी कभी कोई कंप्लेन आई नहीं है जिससे कि कोई भी डेवलपर हमारे रूल्स के बाहर गया हो।
अगर ऐसी कभी कोई बात आएगी तो उसको स्टडी करके उनको एसोसिएशन की मेंबरशिप से बर्खास्त भी किया जा सकता है। हालांकि ऐसा अभी तक कुछ हुआ नहीं है तो इस बारे में ज़्यादा बोल नहीं सकता मैं, लेकिन हाँ कभी ऐसी संभावनाएं हुई और कभी किसी ने ऐसा कुछ किया तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। कुछ नॉर्म्स आपने कस्टमर के कंसर्न में आपने बना रखे हैं या सब अपने मेंबर्स के कंसर्न में हैं? नहीं, हमारे पास कस्टमर रिड्रेसल फॉरम भी है हमारे पास। अगर कभी किसी को कोई ज़रूरत हो तो वो हमसे संपर्क करके हमारे रिड्रेसल फॉरम में आ सकते हैं और हम उनकी कंप्लेन सुन के उनको बिल्डर के सामने बैठा करके उनकी कंप्लेन को दूर करने की भी कोशिश करेंगे। आप थे राजस्थान अफोर्डेबल हाउसिंग डेवलपर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विनय जोशी जी। विनय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद।